घटनाएं खुली हैं। सर ऐसे आराम के लिए करते थे चोरी, किस तरीके के ऐसे आराम के लिए करते थे और क्या है, कितने लोग पकड़े गए? ये दो पकड़े गए हैं जिनके नाम क्रमशः रोहन और विपिन हैं। विपिन जानी का है, रोहन झज्जर हरियाणा का है, और इन दोनों के पास से 16 बाइक इनकी निशानदेही पर बरामद की गई है। इसके अलावा इनके गिरोह के 3 सदस्य और हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। यह ऐसो आराम के लिए, जैसा कि आपने भी देखा, ये कह रहा था कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये समाज में अपनी ये पहचान छिपाना चाहता था कि अपराध हम करते हैं, अपराध करके जो ऐसो आराम कर रहे हैं, जो बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया तरीके से रहते हैं, बढ़िया गाड़ियों पर चल रहे हैं, ये अपराध से जनित है। ये चाहते थे ये चीज़ ना कोई जाने। तो छद्म रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कि हम ठीक ठाक से रहते हैं, हर तरह का मतलब लीकर लेने से लेके होटल में बढ़िया खाना पीना घूमना, ये सब इसका शौक था। इस सब पर ये सब पैसा खर्च करते थे। इसमें जो गाड़ियों का डिस्पोजल ये करते थे वो विवेचना का विषय है, उसकी जानकारी हुई, उसके लिए टीम हमारी लगी है, वो भागने न पाए, इसलिए नाम आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा जो 3 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी का हमारा प्रयास है, जैसा कि प्रेस नोट में आप देख रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, अपने घरों पर ये नहीं मिले हैं, तो इसका नाम हम लोगों ने आपको बताया है। गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। निश्चित तौर पे इनके द्वारा एक खास चीज़ है कि ये बुलेट के बड़े प्रेमी हैं, बुलेट के प्रेमी हैं, और बुलेट की मोटरसाइकिल लेना इनका एक तरह का सगल था। उसको देखते ही इनका कहना है कि इनके मन में एक टेम्पटेशन आता था कि काश ये गाड़ी हमारी हो जाती और फिर उस दिशा में कार्यक्रम शुरू कर देते थे। निश्चित तौर पर इनकी गिरफ्तारी से इस टीम के द्वारा, चूँकि इतनी घटनाएं की गई हैं अभी और बहुत सारी जानकारी इनके द्वारा हमें लेनी है, इनको PCR पर लेके इनका प्रयास करेंगे, जो 3 साथी इनके बचे हुए उनसे प्रयास करेंगे, और जहाँ पर डिस्पोजल करते थे उनको जब हम पकड़ लेंगे तो और गाड़ियों की निश्चित तौर पर बरामदगी होगी। पूछताछ में ये मालूम पड़ा हुआ कि अब तक कितनी गाड़ी लोगों ने चोरी की, क्योंकि प्रेस में 500 लिखा है, 500 लिखा है, ये सैकड़ों पाँचों मिल के बता रहे हैं कि करीब 7 साल से इस तरह घटनाएं कर रहे हैं। क्या अब तक ये पुलिस की गिरफ्त में है 7 साल के दौरान? इनके आपराधिक इतिहास में, जैसा कि आप प्रेस नोट के साथ आप देख रहे होंगे, 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इनके साथ हैं, कुछ इधर के हैं और कुछ और भी मुकदमे हैं, और मुकदमों की जानकारी की जा रही है। सर ये टीम कैसे बनी, हरियाणा जानी मेरठ? इनका मूवमेंट होता रहता है, कोई यहाँ जाता है वहाँ टकरा गया, जिस प्रवृत्ति का जो रहता है उसी प्रवृत्ति वाले से वो संयोग हो ही जाता है, उसी संयोग के तहत। और ख़ासतौर से गाड़ी जहाँ डिस्पोजल करते थे वो कॉमन पर्सन है, तो वहाँ पर भी इकट्ठा होने में इनको सर और भी बड़ा इसमें और भी हो सकती है, लेकिन जो इनके द्वारा प्राथमिक पूछताछ में बताई गई वो 5 हैं। ये संख्या, जैसा कि आप का संदेश सही है, हम लोगों को भी लग रहा है कि इसमें और लोग होंगे। खरीदार नहीं, मतलब ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के, जैसा कि गबुक हरियाणा का है, हरियाणा भी इसमें लिंक है। इनका कहना है दिल्ली तक इनका वार होता था, और ये 3 स्टेट तो कम से कम इनकी पूछताछ में आया ही है।